आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, दो मौके से फरार। आपको बता दें, शनिवार 15 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे थाना बारादरी क्षेत्र में प्रेमनगर थाना गेट से लगभग 100 फीट आगे मॉडल टाउन रोड पर पानी की टंकी के पास एक युवक को गोली मार दी गई। घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान थाना प्रेमनगर के नरकुलागंज निवासी अजय के रूप में हुई है, जो कि थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि मौके से गंगापुर निवासी विनय कुमार को तमंचे के साथ पुलिस ने पकड़ा है। वहीं दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो चले हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, जानना चाहेंगे हत्या की वारदात हुई है, क्या मामला है? देखिए, आज 9:30 बजे एक सूचना मिली कि थाना बारादरी क्षेत्र में एक युवक को गोली लगी और 3 अज्ञात बदमाशों ने उसको गोली मारी। मौके पर ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई, बाकी जो 2 अन्य व्यक्ति थे उनके साथ जो सहअभियुक्त थे वो मौके से फरार हो गए थे। उन दोनों व्यक्तियों की पहचान कर ली गई और थाना बारादरी और प्रेमनगर की संयुक्त टीमें बना दी गई और जल्द ही उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई। सर, जो व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई है, कौन है, क्या कुछ पता चल सका है इसके बारे में? जो व्यक्ति है उसकी शिनाख्त हो चुकी है और वो प्रेमनगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, प्रेमनगर का हिस्ट्री शीटर है। और उस व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ जिला अस्पताल उसको मृत घोषित कर दिया। सर, मृतक के जो परिजन है उनका आरोप है कि उन्होंने सुबह थाने में शिकायत भी की थी कि उसकी जान को खतरा है और पुलिस की लापरवाही की वजह से ये हत्या की वारदात हुई। देखिए, जो मृतक था वो थाने का पुराना दुराचारी है, जिसका दर्जनों उसके ऊपर आपराधिक इतिहास के मामले हैं, तो इस तरह का कोई बात थाना प्रेमनगर के संज्ञान में नहीं थी और जो भी इस तरह की बातें आती हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। सर, जो आरोपी एक पकड़ा गया है, इनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है क्या, कुछ इनका पता चल सके? एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उसका आपराधिक इतिहास है या नहीं इस बात की जानकारी की जा रही है। ठीक। हाँ भैया, सर आप लड़के ने अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।